हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स बाय तुबा। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आई हूँ टाइक रोड के ब्रांच इम्तियाज़ सुपर मार्केट में। सो यहाँ जो है वो काफ़ी न्यू वैरायटी आई हुई थी। ये जो है ये फ्राइज़ के लिए थी, बास्केट टाइप, और इसमें आप सर्व कर सकते हैं। और आजकल तो है ही फ्राइज़ का विंटर्स तो होते ही फ्राइज़ के लिए होते हैं, और मुझे तो पर्सनली फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो सूप की भी वैरायटी आई हुई थी। इसमें सॉल्ट एंड पेपर वैसे ये भी था कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत डिफरेंट प्राइसेस के साथ अवेलेबल थे। कुछ यहाँ पे न्यू प्लेट्स, न्यू बाउल्स आए हुए थे। अब मैंने आपको ये दिखाना था कि आप प्राइसेस देख लें, क्योंकि सबके प्राइस चेंज हो गए हैं। और काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेट्स भी आई हुई थी, जो आप अपने घर के यूज़ के लिए भी ले सकते हैं और एज अ डिनर सेट के लिए भी ले सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, और डिफरेंट प्राइसेस के साथ थी। लेकिन मैं गई अपने फेवरेट कॉफ़ी कॉर्नर पे, जो कि मुझे मिल गई मेरी फेवरेट कॉफ़ी। वैसे तो मेरी कॉफ़ी जो है ये सामने वाली है, जो मैं नाम नहीं लूँगी इस ब्रांड का, ये ब्राउन ब्लैक कैप में जो है ये है मेरी फेवरेट कॉफ़ी। लेकिन मैं ये नहीं लूँगी, क्योंकि इसके प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। फिर मैंने अल्फ्रेडो की ले ली थी, कि अल्फ्रेडो तो ज़रूरी है लेना, क्योंकि मेरे घर की तरफ नहीं मिल रही थी ये वाली। फिर यहाँ आ गए थे ड्राई फ्रूट्स की तरफ। यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली, उसके बाद हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। यहाँ से मैं जा रही थी, उसके बाद मैंने सोचा जब मैं यहाँ से अपनी गाड़ी में हमने अपना सारा सामान रखवा दिया, और सामने था कराची ब्रोस, तो मैं कराची ब्रोस को कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं तारिक रोड आऊँ और वहाँ की ब्रांच में आऊँ इम्तियाज़ के, मैं कराची ब्रोस को तो कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि मेरा गला भी कुछ ठीक नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना ब्रोस मंगा लिया जाए और ब्रोस खा लें। अब मैंने एक ब्रोस अपने लिए मंगवा लिया था। उसके बाद यहाँ जो बैठी हुई, ये सारी कैट्स बैठी हुई हैं, क्यों? क्योंकि इनको चिकन की बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी, मैंने इनको भी दे दिया था अपने खाने के बाद। और ये ब्रोस बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी ऑयली नहीं था। ये ब्रांच बहुत ज़्यादा अच्छी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।